और आज हम लोग भाई मैं क्या करने वाले बताना जरा। आज हम सिखाने वाले हैं कि बहुत कम समय में और बहुत अच्छी पतंग उड़ानी कैसे सीखे और ढंग से पेचे कैसे लड़ाया जाए। सही बोले, मतलब और जो YouTube वीडियोस होती है उनमें तो आपको सिखाया जाता है, पर हमारी वीडियो में कुछ अलग ही तरीके से सिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और देखें वीडियो में क्या क्या होता है। तो लेट्स गो, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको करने से बांधना सिखाएंगे कैसे करने बांधते हैं। तो चलो यार देखो कैसे बांधते हैं। मैं बताओ जरा कैसे बांधते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना कोई एक ऐसी जगह देख लो जहाँ पे जो है ना खुरदुरी हो, ये वाली वहाँ पे आराम से आपका पेपर घिस सके। तो फिर पतंग को पकड़ो और पतंग में ना अपोजिट साइड छेद करने हैं। ये देखिए जैसे ये पतंग है, पतंग में एक छेद यहाँ करना है तो दूसरा छेद यहाँ करना है, अपोजिट साइड, एक नीचे एक ऊपर अपोजिट में। तो इसको लो ऐसे, इसको ऐसे कर दो, यहाँ पे हो गए दो छेद, देख लो भाई दो छेद हो गए। इससे एक ऐसे उंगली से नाप लो इतना पूरा, एक ऐसे करके नापा, फिर यहाँ पे दो छेद कर दो। ये दो छेद जैसे ही हो जाए उसके बाद फिर आप, और मैं आपको बहुत बड़ी चीज़ बताता हूँ जो YouTube पे बहुत सारे यूट्यूबर्स बहुत ज़्यादा गलत बताते हैं कि जो कन्ने हैं ना वो हमेशा सद्दी से बांधने, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कन्ने किसी से भी बांध सकते हो, बांधो, जरूरी नहीं है सद्दी से बांधने। हाँ आप मांझे से बांध सकते हो, इनफैक्ट प्लास्टिक के मांझे से भी बांध सकते हो। ये लोग जो कहते हैं प्लास्टिक प्रेफर तो नहीं करेंगे हम प्लास्टिक से उड़ानी या प्लास्टिक खरीदना। जी तो प्लास्टिक मेरी माने तो ना ही खरीदे, प्लास्टिक हमने भी नहीं खरीदा कोई प्लास्टिक का मांझा जो होता है। और बाकी देखो मैं तो अभी सद्दी है मेरे पास तो मैं सद्दी से ही उड़ा रहा हूँ, लेकिन आप किसी से भी उड़ा सकते हैं, मांझे से भी उड़ा सकते हैं। तो पहले नीचे से यहाँ पे डाल, और हमेशा ये ध्यान रखिए कि कभी भी कन्ने इस साइड से नहीं, हमेशा इस साइड से बांधे जाते हैं जहाँ पे पीछे तिल्ला नहीं होता। हमारा कन्ने बांधने वाला जो स्टेप था वो पूरा हो गया, कन्ने बांध के अब हमें क्या करना है, अब एक हाथ हमें रखना है यहाँ पे। तो सबसे पहले अब हम सिखाने वाले हैं गीठा बांधना। गीठा कैसे बांधते हैं वो आप सबसे पहले और सबसे मेन तरीका है पतंग उड़ाने का। हमेशा ये ध्यान रखिए जब गीठा बांधते हैं ना तो दोनों साइड से जो लेंथ होगी वो हमेशा बराबर होगी, कभी भी ना तो इस साइड से कम होगी ना ज़्यादा होगी, ना इस साइड से कम होगी ज़्यादा होगी। किसी भी साइड से, किसी एक भी तरह साइड से कम ज़्यादा हो गई तो फिर वो पतंग सही तरह से उड़ नहीं पाएगी। वो अगर इस साइड से लेंथ कम रहेगी तो पतंग कभी भी उड़ नहीं सकती, अगर इस साइड से कम है तो एक बार को उड़ जाएगी लेकिन वो पतंग पीछे के लायक नहीं होगी। और तो हमेशा गीठा मारने के लिए और एकदम करेक्ट लेने के लिए ना हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आप हाथ में नाप सकते हैं तो बहुत अच्छा है, या तो फिर ऐसे कर लीजिए एकदम, हाँ ऐसे करके आप नाप लीजिए और इजीएस्ट वे है, हाँ नाप के कर लीजिए। और अगर आपका ऐसे नहीं हो पाता और आप नए बंदे हो उड़ाने वाले तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, हमेशा यहाँ से पकड़िए, यहाँ से पकड़ के नीचे वाली साइड से, यहाँ हाँ नीचे वाली साइड से पकड़ के यहाँ पे इतना नापिए, ऊपर नाप लिए फिर ऊपर से ही पकड़ के यहाँ पे इतना नापिए। जब दोनों बराबर का आ जाए तो समझ जाइएगा ये यहाँ पे पूरा हो चुका है, और पूरा हो जाए तो इसका यहाँ पे इतना में गीठे लगा दीजिए। हाँ भाई पतंग में बन चुके कन्ने, और अब अगला स्टेप जो है उड़ाने का स्टेप है वो हम उड़ा के दिखाते हैं आपको कैसे उड़ा के देखनी, और इजीएस्ट वे में सिखाएंगे आपको उड़ाना और कैसे पेचे लड़ाते हैं सब बताएंगे भाई। मयंक भाई बताएंगे अपने, क्योंकि मैं तो अभी कैमरा पकड़ के खड़ा हूँ, कोई और है नहीं, तो मयंक भाई दिखाएंगे आपको सारे अच्छे तरीके से। सबसे पहले हम अपने मांझे के बारे में बता देते हैं। देखो हम ये मैदानी मांझा खरीद के लाए थे और हम कल ही खरीद के लाए हैं इसको, और ये हमें बहुत ही सही रेट में मिल गया था, नहीं तो जैसे लॉकडाउन की वजह से लोगों को बहुत महंगा मिल रहा है। हमें हमारे तो कोई जान पहचानते हैं, हम उनसे लेके आए हैं, और इसकी हमें 450 रुपये की एक रील पड़ी है, और इसमें 3 रील हैं अभी मांझा अच्छा खासा। और आप कहीं सोचोगे कि हमने मार्केट ब्लॉग नहीं बनाया, तो मार्केट ब्लॉग में प्रॉब्लम ये थी कि हम लोग गए थे चांद मोहल्ला गए थे, जैसे हम मेरी पहली वाली वीडियो भी देखी आपने, कार्ट ऊपर आ गया होगा, तो वो वाली वीडियो में भी हमने ये था कि सारी मार्केट खुली हुई थी, तो हम लोग अब कल गए थे तो मार्केट में ही 6-7 दुकानें खुली हुई थी जिसमें भी मतलब पूरा सामान था ही नहीं, तो वो दुकान वाले ही बोल रहे थे कि पूरा माल आया नहीं, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि किसी और उसमें वीडियो बनाए, मार्केट में ना बनाए, मार्केट में तो हर बार बनाते हैं, और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बनाई होगी मार्केट में वीडियो, तो यही है भाई। फिर मैं उड़ा के दिखाएं पतंग। तो बेसिकली देखो उड़ाने के लिए ना पहले मेन होता है पतंग तो उड़ जाएगी, और हमने सबसे मेन चीज़ जो अभी सिखानी है वो हम थोड़ा सा भूल गए, लेकिन अब सिखा देते हैं भाई, चरखी पकड़ो। तो ये होता है कि जब भी हम पतंग उड़ाते हैं तो हमेशा ना पतंग ऐसे नॉर्मल नहीं उड़ाया जाता, हमेशा इसको थोड़ा सर के ना टेढ़ा कर लेना, इसको झप्पी दी जाती है, इसको झप्पी देना बोलते हैं, जादू की झप्पी।
और हमेशा जो है ना ये ध्यान रखना पतंग खरीदते हुए कि उसका तिल्ला ना तो बहुत ज्यादा पतला हो ना बहुत ज्यादा ही मोटा हो, मतलब मीडियम मीडियम हमेशा मीडियम होना चाहिए, क्योंकि ना नहीं तो अगर मोटा तिल्ला होगा तो जब भी लेते वही वो टूट जाएगा। हाँ और कुछ लोग क्या करते हैं, लेते हैं यहाँ से पकड़ के लेते हैं तो भाई वो पतंग ब्रेक हो जाती टूट जाती है, उससे सीधा उसका तिल्ला ब्रेक हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। और हमेशा पहले यहाँ सर पे रखें वो भी साइड में, और हल्का हल्का उसको पुश करें, हल्का हल्का उसे टिल्ट करें, जैसे वो हो जाएगी हल्की सी मुड़ जाएगी। और ये मैं आपको बताता हूँ ये क्यों काम आता है, ये काम इसलिए आता है ताकि जब पतंग ऐसे हवा के साथ ऊपर जाए तो ये डायरेक्ट नीचे ना आ जाए, और जब ऐसे आप जप्पी लेके आप पतंग उड़ाएंगे ना तो हमेशा पतंग ऐसे लहरती हुई नीचे आएगी। तो भाई जप्पी जो बोलते हैं जप्पी बोलते हैं नाम या और कोई नाम नहीं होता इसका? हाँ भैया हम तो इसे जप्पी बोलते हैं, जप्पी देना बोलते हैं इसको ऐसे करके, बाकी बहुत सारे लोग इसे जप्पी देना बोलते हैं, ऐसा ही है। और अच्छा ये इसका मेन काम यही है कि जब आपकी पतंग ऊपर से नीचे आ रही होती है ना, तो अगर आपकी पतंग जब आप लपेटने वाले होते हो, नहीं जैसे हम पतंग उड़ा रहे हैं तो उड़ाते हुए जब पतंग नीचे आ जाती है ना कभी कभार एकदम से, तो अगर आपकी पतंग टिल्ट होगी थोड़ी सी भी मुड़ी हुई होगी तो वो पतंग ऐसे लहरती हुई आएगी, और जब लहरती हुई आएगी तो वापस ऊपर होगी, तो आप फिर से उसे खींच मार के ऊपर कर सकते हैं। तो ये इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बेसिकली ऐसा होता है कि ना लोग बहुत तरीके से पतंग उड़ाते हैं, कुछ लोग नॉर्मली ऐसे नीचे रख के उड़ाते हैं, कुछ लोग नॉर्मली अब आपको शायद अच्छे से और ज्यादा दिख रहा होगा, कुछ लोग तो शायद नीचे लटका के करते हैं और कुछ लोग ऐसे नॉर्मल उड़ाते हैं। तो भाई इजी वे कौन सा, नीचे लटका के करने वाला या ये वाला? तो अगर जो नया बंदा सीख रहा है वो नीचे लटका के उड़ाएगा तो ज्यादा अच्छा, और जो बंदा उड़ाने वाला प्रोफेशनल है वो तो ऐसे भी उड़ा लेगा, क्योंकि हम तो ऐसे उड़ा, बंदे बंदे पर डिपेंड होता है कि उसको कैसी पतंग उड़ानी आती है या कैसे उड़ा सकता है। हाँ जी, और कितनी स्पेस के हिसाब से भी होता है कि कितनी स्पेस है छत पे या नहीं है। और देखो चरखरी हमेशा ऐसा होना चाहिए जिस पोजीशन में आप पतंग उड़ा रहे हैं उसी पतंग में आपको जो है ना चरखरी रखनी ज्यादा जरूरी है। अभी हमारी देखो अभी जैसे हमारी छत पे अभी आईबो हुआ है, तो अभी अब हमारी बारी है, आप हम उड़ाते हैं और आप भैया के साथ हम पे चढ़ाएंगे। हाँ भाई जल्दी जल्दी उड़ाओ यार। तो चरखरी हमेशा देखो, अभी अब की बार ऋषभ भाई पकड़ रहे हैं चरखरी, भाई ऐसे पकड़नी चरखरी। तो चलो अब हम उड़ा रहे हैं पतंग। भाई तुम कैसे उड़ाओगे, नीचे से ऐसे रख के या नीचे लटका के? ऐसे मर्जी उड़ा लेते हैं। भाई पतंग उड़ गई ना वो अपनी? हाँ अभी बस पतंग उड़ी गई है, एक मिनट। बार बार नीचे गिरे जा रही है यार, बिल्कुल भी हवा नहीं है, हवा बिल्कुल भी थोड़ी थोड़ी चल रही है हवा, मतलब क्योंकि हवा जो है ना सारी हवा ऊपर है, नीचे हवा नहीं है। ये देखो ऐसे उड़ती है पतंग एकदम से, बिना हवा के पतंग उड़ी है। देख लो भाई तुम्हारे सामने ही है सब। नहीं, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, जब पतंग उड़ी हो नीचे तब ढील पूरी मिलनी चाहिए। ये देखो भाई अपनी पतंग है वो रही देखो ऊपर, अभी लड़े ये पिंक कलर की, कलर तो दिख नहीं रहा यार अभी हो गया भाई, पहली पतंग कट गई। एक तो हवा नहीं है ऊपर से, हमारे सामने जो है बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाले पतंगबाज हैं, जिससे भाई भैया हमारी हर साल फटती है बहुत ज्यादा गंदी वाली। अभी कोई बात तो नहीं, अगली उड़ाएंगे, उड़ा के देखते हैं अगली उड़ाएंगे और अगली से देखते कितनी काटती है। तो भाई यार एक बात बता यार, उड़ाने वाले पतंग उड़ाने से वाले से मतलब ज्यादा या साथ साथ कह लो जो चरखरी पड़े तो उसका भी ज्यादा सही रोल होता है, उसका पूरा रोल होता है, क्योंकि जब अगर हमें ढील चाहिए होती तो वो ढील अगर कहीं भी वो मांझा अटक गया तो वही बंदा होता है जो मांझा जो सही कर देता, सॉल्व कर देता उसको, जो जहाँ वो अटकता है ना भाई वो भी है। और दूसरी बात, जब हम लोग पेचे लड़ाते तो हमें जब अगर हमारी पतंग सामने वाले की पतंग के ऊपर है तो हमें पूरी ढील चाहिए होती है, जो कि हमें नहीं मिल पाती वो, क्योंकि अगर वो हमें टाइम टू टाइम मिल जाए तो हमारी पतंग आसानी से नहीं कट सकती। और हमेशा एक चीज जरूर ध्यान रखना पेचे लड़ाते हुए, जब आप लोग पेचे लड़ाओ तो कोशिश करना कि अपनी पतंग सामने वाले की पतंग के ऊपर डाल दो, और जैसे ही आपको लगे कि हाँ पतंग अब ऊपर चली गई तो उसके ऊपर पतंग रख के छोड़ दो, उसको ढील दे दो, अपने आप सामने वाले की पतंग खुद पर खुद कट जाएगी। और तुम क्या चिल्लाओगे ये भाई, मैं बताओ आई बो। तो
तो चलो भाई दूसरी पतंग ट्राई करते हैं यार उड़ा के, मतलब उड़ जा, उड़ तो वो भी गई थी यार, वो भैया ने काट दिया, अब क्या कर सकते हैं, हवा भी नहीं है इतनी। और भैया हमारे ज़्यादा प्रोफेशनल है, हमसे ये वाली बात मानने वाली है, और पुरानी दिल्ली का पतंगबाज और हम सामने लक्ष्मी नगर के लौंडे, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हाँ भाई चलो यार दूसरी पतंग उड़ाते हैं। सही से उड़ गई ये वाली भी, ये तो उड़ गई, बड़ी जल्दी उड़ गई, इसको तो उड़ाने का टाइम ही नहीं मिला, अपने आप उड़ गई है। वही है यार, हवा का फ्लो, हवा का फ्लो होना चाहिए, हल्की सी हवा चली और पतंग हमारी यूं ही उड़ गई अपने। हाँ भाई, और ये जो देखो ये जो ऊपर पीली पतंग आ रही है ना, करने वाली है। कौन सी भाई, कौन सी वाली पतंग? ये जो पीली वाली उड़ गई, ये वाली ना, ये जी यही। और अपनी कहाँ है ये री? अपनी तो एरिया अभी तो अपनी उड़ रही है, अभी तो अपनी उड़ी भी नहीं है, उड़ जाएगी उड़ जाएगी। तो महंग भाई तुम्हें कितने साल हो गए पतंग उड़ाते हुए? हमें तो बचपन से शौक है पतंग उड़ाने का। भाई वो जो कागज वाली पतंग थी उससे तो एक पेज से तो काट दी हमने, एक पतंग काट दी और फिर उसके बाद हमारी पतंग कट गई। तो अब महंग भाई कौन सी पतंग उड़ा रहे थे? अब महंग भाई उड़ा रहे पन्नी वाली पतंग, बोले वो गोरी गोरी ऊपर। अरे ये गप्पे हमारा कह रहा भाई हमें पतंग उड़ाने, तो हमने कहा चल यार एक पतंग तू उड़ा ले यार। तो भाई कागज वाली पतंग सही होती उड़ानी पन्नी वाली? भैया देखो अगर देखो देसी तरीके से पतंग उड़ाने देख बोले तो भैया असली पतंग जो होती है वो कागज की ही होती है। पन्नी वाली मतलब ये भी तो होता है कोई चक्कर हवा बना चल ले तो? देखो पन्नी का ऐसा होता है, पन्नी देखो वैसे भी ना कागज में होता है ना, एक बार को हवा पास हो जाएगी, लेकिन पन्नी में नहीं होती। तो पन्नी यही होता है कि जब तक हवा ना हो तो पन्नी वाली पतंग उड़ाना बेकार है, क्योंकि वो पतंग नीचे उतर के आपके पास ही आ जानी है वापस। और बाकी जो प्रोफेशनल बंदे होते हैं वो तो यार उड़ा ही लेते हैं। नहीं वो उनके साथ भी यही होता है कि ना हाथ इतने दुख जाते हैं कि वो किसी काम की नहीं रहती, मतलब थकान हो जाती बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। ये देखो जैसे अभी हम इसे अभी 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 हमने इसे उड़ा तो लिया है, ये देखो फिर वापस नीचे उतर के। महंग भाई कौन सी पतंग उड़ रही है अपनी? ये उड़ लिया अभी पन्नी वाली, यही है ना ये वाली, ये पन्नी वाला गुड्डा है। और एक चीज और बता दूं? हाँ भाई बता। तो इसे पतंग बोलते हैं ना? हाँ ये बहुत गलत बोलते हैं कि पतंग इसे नहीं कहते। तो फिर किसे कहते हैं? पतंग जो होती है जो हमारे हाइट जितनी होती है 6-6 फुटों की जो होती है उन्हें पतंग बोली जाती है हमेशा, इन्हें तो हम गुड्डा गुड्डी बोलते हैं। गुड्डा गुड्डी? हाँ जी सही, तगड़े तगड़े नाम रखे हैं उसे, वो बताओ जादू की जप्पी। ये तो भैया नाम रखे हैं अकबर ने, अकबर ने रखे। इसको सबसे ज्यादा दिल्ली में पतंग उड़ाने का शौक था। चलो कोई ना, नाम रख दिया, हमें तो उड़ाने से शौक है, हमें तो उड़ाने से शौक है और हमें उड़ानी पसंद है बस भाई, यही सही है। अब देखो अब देखो अब देखो हल्की सी हवा चली, ये नीचे जाती भी नहीं है भाई, ये हम लोग जैसे मैंने अभी बताया था दिखाई भी थी पन्नी वाली पतंग उड़ा रहे थे महंग भाई। तो महंग भाई पन्नी वाली पतंग को क्या हो गया? हाँ आज हवा बहुत कम है यहाँ पे लक्ष्मी नगर में, तो पन्नी वाली बिल्कुल भी नहीं उड़ रही थी, वो वापस नीचे उतर गया। तो हमने सोचा यार पन्नी वाली क्यों उड़ानी हो, क्योंकि यहाँ पे आज 14 अगस्त का दिन है, तो भाई पेच लड़ाने वाले बंदे सारे खड़े हुए हैं, तो हमने कहा यार कागज वाली उड़ाएंगे भाई। एक तो भैया सामने हमारे कैमरे के पीछे सामने दूसरे भैया ने आतंक मचा रखा है यहाँ पे, पूरी लक्ष्मी नगर में आतंक मचा दिया दूर दूर तक की। हर साल का यही है कि भैया का कि ये होता भैया ही, मतलब सारे एरिया के जितने भी एरिया की पतंगे वही लपेट देते भैया ही। लेकिन ऐसी बात है कि हम भी कम नहीं है, हमने भी भैया की बहुत पतंगे काटे और अभी हमने भैया की 2 पतंगे काट चुके हैं, मतलब अपने साथ साथ कंपटीशन चलता रहता है। आप भैया हमसे ज्यादा है लेकिन हम भी कम नहीं है ना, हम भी बराबरी कर जाते हैं भैया। भाई यार एक बात और बता, पहले तो हाथ रख इस पे ले भाई हाथ। दूसरी बात एक बात बताइए, आजकल चल क्या रही है, कुछ फेमस चीज चल रही है ना, विनोद विनोद विनोद, ये विनोद का क्या चक्कर है? अगर किसी को पता हो ना कमेंट करके बताना यार क्या चीज है विनोद, में जरूर बताना ये विनोद का क्या चक्कर है, ये आजकल विनोद बड़ा फेमस हो रहा है और ये मतलब क्या हो गया, और हम पतंग कैसे उड़ा रहे हैं विनोद की स्टाइल में भाई, मतलब आज विनोद की स्टाइल में पतंग काट रहे हैं हम लोग और उड़ा भी रहे हैं। इस पूरी वीडियो में अगर कोई एक सिंगल पार्टी भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और मेहनत तो यार लगती है, मेहनत तो यार हर काम में लगती है, पतंग उड़ाने में भी यार हाथों में दर्द हो जाता है और कैमरा पकड़ने में भी आपको पता ही है यार, अगर ज़्यादा देर तक पड़ो तो हाथ तो दर्द होता है भाई। जी ज़रूर भाई। चलो भाई पन्नी वाली तो अभी नीचे उतार ली हमने हवा की वजह से, अब एक बार कागज़ वाली उड़ा लेते हैं फिर वीडियो एंड करते हैं। तो भाई वीडियो का करते हैं एंड, और वीडियो आपको सही लगी हो तो यार लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं भाई तुम्हें सही लगा भाई पतंग पतंग उड़ा के? भाई मेरा तो फेवरेट शौक है ये, अब मैं पतंग का बहुत शौक है, तो हम पतंग उड़ा रहे हैं और सभी उड़ाओ पतंग, पतंग उड़ाना बहुत अच्छा शौक है, लेकिन रिस्क नहीं लेना, रेलिंग वगैरह से बच के दूर होके पतंग उड़ाना।
भाई ऐसे कई लोग होते हैं जैसे छत से भी ऊपर वाली छत, टैंकी वाली छत पे चढ़ जाते हैं और वो गलत चीज़ है, आसमान में देखते पीछे गिर जाते हैं, कई इंसिडेंट हुए हैं ऐसे। वो गलत चीज़ है, ये चीज़ बिल्कुल ना करें। छत है बहुत अच्छा है, नहीं है कोई बात नहीं, कुछ समय बाद उड़ा लेना, लेकिन ऐसा मत करना कि कहीं से आगे जान को रिस्क हो, क्योंकि जान है तो जहान है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। और भाई कल 15 अगस्त है तो कल का ब्लॉग चाहिए तो यार कमेंट करके बता देना, कमेंट सेक्शन ओपन है आप लोगों के लिए, और जल्दी से कमेंट सेक्शन भर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दो कमेंट, ऐसा नहीं चाहिए हमें यार, लाइक ठोको क्योंकि यार आप लोगों के सपोर्ट चाहिए अपने चैनल पे। और हम दोनों की तरफ से आप लोगों को सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय।